नमस्कार, कथा कहानी काव्य आपके लिए जल्दी ही लेकर आ रहा है बांग्ला साहित्य के एक अनमोल लेखक बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचनाओं को। बंकिम चंद्र चैटर्जी 19 सेंचुरी के बांग्ला साहित्य के उन गिने चुने लेखकों में से हैं जिनकी रचनाएं आज भी इनके मूल रूप यानी के बांग्ला भाषा और अन्य भाषाओं के अनुवादित रूप में भी पढ़ी जाती हैं। इनकी रचनाओं पर अनगिनत फिल्में बनी, टीवी सीरियल्स बने और उनके अनगिनत रीमेक भी बने। ऐसी ही एक कहानी है कपाल कुंडला। इसका अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और संस्कृत में अनुवाद किया गया है। 1866 में लिखे गए इस उपन्यास की कहानी का सामाजिक परिवेश 17th सेंचुरी का था। इस कहानी को पहली बार 1929 में प्रियनाथ गांगुली ने बांग्ला भाषा में बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में उतारा। इसके बाद 1933, 1939, 1952 और 1981 यानी के चार बार और इसी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया गया। हर बार भाषा थी बांग्ला। आगे जाकर 90s में दूरदर्शन पर इसे सीरियल के रूप में हिंदी भाषा में भी दिखाया गया और हाल ही में बांग्ला टीवी सीरियल के रूप में 2019 में। छोटे और बड़े पर्दे पर अलग अलग समय पर इतनी बार यह कहानी दिखाई जा चुकी है। क्या है ऐसा इस कहानी में कि 155 साल बाद भी लोग इसे देखना और दिखाना चाहते हैं। कहानी है जंगल में एक कपालिक ऋषि के द्वारा पाली गई एक लड़की कपाल कुंडला की। एक दिन वह ऋषि जंगल में भटके हुए एक नौजवान नवकुमार से मिलता है, उसे भोजन और आसरा देता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य युवक की बलि देना होता है। ऐसे में कपाल कुंडला युवक को बचा लेती है। प्रेम होता है, विवाह होता है और वह अपने पति नवकुमार के साथ शहर रहने चली जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी वह खुद को शहर के जीवन के अनुकूल ढाल नहीं पाती। इस पूरी कहानी में कपाल कुंडला एक सशक्त, सुदृढ़, सुंदर, अकल्पनीय किरदार बनकर उभरती है। उसके जीवन के उतार चढ़ाव से भरी यह कहानी हम आपके लिए हिंदी में लेकर आ रहे हैं ऑडियो सीरीज के रूप में 15 फरवरी से हमारे यूट्यूब चैनल कथा कहानी काव्य पर। इस सफर पर जितना ज्यादा आपका साथ हमें मिलेगा उतना ही हम सब इस सफर का आनंद ले पाएंगे। साहित्य को आप तक पहुंचाने की इस कोशिश में अगर आपको लगता है हम आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी के साथ जिन्हें इस सफर पर साथ आने में खुशी होगी। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। इससे आपको हर नए ऑडियो या वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं। मेरा नाम है मनीषा।